झुलसा रोग अब इस टाइम में आने की ज्यादा संभावना होती है। राम स्वरूप सु सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट गिगनू सेंटर के तुरंत बाद सब्जी विशेषज्ञ से सलाह लेके उसके बाद ही कोई फंगीसाइड की स्प्रे करनी चाहिए, खुद निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसान भाइयों, आपको आलू की खेती दिखाई दे रही है और सामने डॉक्टर राम स्वरूप साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं गिगनाऊ और शुष्क बागवानी केंद्र से। तो आज आलू की खेती के बारे में जानेंगे और ये किस्म के बारे में जानेंगे, कौन सी किस्म है। नमस्कार किसान भाइयों, ये आलू की जो किस्म है जो हमारे सेंटर में बोई गई है, ये सर्टिफाइड सीड है कुफरी मोहन। इसकी बिजाई 10 नवंबर 2023 को की गई थी और जो सीड की मात्रा हमने रखी थी ये पूरा 5 एकड़ का प्लॉट है जी, और 8 क्विंटल सीड था हमारे पास 120 कट्टे और पूरा पूरा इसमें डाल दिया था। अच्छा जी, उसके बाद इसकी जो जर्मिनेशन है, आज के टाइम जो हेल्दी प्लांट है वो आपको इसमें वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है। जहां तक इसमें स्प्रे खाद और खरपतवार निकालने की बात आती है तो हमने सिर्फ इसमें बिजाई के तुरंत बाद स्टाम्प एक्स्ट्रा पेंडामेथिलीन की स्प्रे करी थी। अच्छा जी, 650-650 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जी। उसके बाद वीडी साइड के नाम पर हमने अभी तक कोई इसमें नहीं निकाला है। अच्छा जी, वीडी साइड स्प्रे करने के बाद आया नहीं इसके अंदर। सर, कई बार किसान क्या होता है, आलू लगाने के बाद में किसान को थोड़ी ऐसा लगता है कि आज हमारे आलू के अंदर कुछ दिक्कत हुई है, तो वो बाजार चला जाता है और बाजार से एक्स्ट्रा जो स्प्रे लाकर डाल देता है। तो अब किसान को कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए किसान को फिलहाल जो मौसम के हिसाब से? मैं किसानों को एक ही राय देना चाहता हूँ कि जिस किसान भाई ने आलू की फसल बो रखी है तो सबसे पहले तो वो खुद अपना खेत चेक करे। यदि उसको कुछ बीमारी का पता चले तो किसी एक्सपर्ट साइंटिस्ट से, वेजिटेबल स्पेशलिस्ट से, चाहे हमारे बागवानी सेंटर से हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हो, उसकी विजिट करवाए या कोई एक्सपर्ट कंपनी वाला उसकी विजिट। खुद निर्णय नहीं लेना चाहिए भी दुकान पर चला जाए, दुकानदार ने उठा के स्प्रे डाल दी, ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप देख रहे हो हमने सिर्फ एक सिंगल स्प्रे डाली है इसमें अभी तक जी। इसकी जो बिजाई आज पूरे 2 महीने हो गए। अच्छा जी, 60 दिन हुए। 60 दिन इसकी बिजाई 10/11/2023 को हुई थी, आज है 10/1/2024। तो सिंगल स्प्रे हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लगभग 21 दिन पहले हमने इसकी एक स्प्रे करी। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल झुलसा रोग भी एक इसके अंदर आया हुआ, उसके लिए किसान कैसे? झुलसा रोग अब इस टाइम में आने की ज्यादा संभावना होती है। इसमें दो वैरायटी में दो मुख्य जो बीमारी होती है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जी। इस टाइम सकिंग पेस्ट का तो नाम मात्र कभी अटैक नहीं हो सकता, उसके लिए किसान को समय समय पर अपना खेत चेक करना चाहिए पहले तो। यदि उसको कुछ डाउट हो तो किसी सब्जी विशेषज्ञ से सलाह लेके उसके बाद ही कोई फंगीसाइड की स्प्रे करनी चाहिए, जैसे आपकी कार्बन इंजिन होगी, इडोमिल होगी, मैनकोजर प्लस कार्बन। आजकल बाजार में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन आ रहे जी, तो उसकी डोज, पानी की मात्रा, करने का समय, करने का तरीका, यदि आप उसको सही टाइम पर करोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगी। सर, सर्दी से आलू को कैसे बचाया जा सकता है? सर्दी तो जैसे मौसम विभाग पहले ही आपको बता देता है 20 दिन पाला पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो यदि आपके पास पानी का प्रबंध है तो सबसे ज्यादा तो पानी की आप उस, जैसे मान लीजिए कल 11 तारीख है, मौसम विभाग कहते हैं कल पाला पड़ने की ज्यादा संभावना, तो आप उसमें पानी का प्रबंध करो। सामने फसल करिए, इसमें कोई बीमारी आप अगेता लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट कुछ भी नहीं है एक सिंगल प्लांट पर भी। सर, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय दे दे। मैं राम स्वरूप सु सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट गिगनाऊ सेंटर। सर, आपने गिगनाऊ को इतना हरा भरा किया और उसके लिए आपका धन्यवाद, आप 3 साल से इतना काम कर रहे हो। सर, आपके बारे में सुनने को मिला है कि आप जो यहाँ सब्जी पैदा होती है उसको ना खाते और ना खाने देते, मतलब आपने अपने घर नहीं ले जाते, यहाँ बेचते हो, उसके बारे में क्या कहोगे? वो तो नियम, यदि आप खुद नियम अडॉप्ट करोगे तो दूसरा उसका फॉलो करोगे। तो आप राम स्वरूप साहू जी के साथ जुड़े थे भाई, पर शुष्क बागवानी केंद्र है, इसको चमकाने में राम स्वरूप साहू जी का बड़ा हाथ है। और खुशी की बात यह है, अगर कोई भी किसान भाई यहाँ अगर आप कुछ जानने के लिए आते हो सब्जी के बारे में या और कुछ, तो आपको पूरी पूरी मदद की जाती है।